Hello and welcome back guys to my YouTube channel. My name is Shraddha. I hope you guys remember me. First of all, I am really sorry for the, you know, inconsistent videos that I have been posting on my YouTube channel. पहली बात तो यार डेली व्लॉगिंग हो नहीं पाती है और मेरे फैमिली वाले ऐसे हैं कि यार कि कोई अगर प्लानिंग करो तो 6 महीने तक तो वो प्लान को सक्सेस और प्रोसेस होने में इतना लंबा लग जाता है, तो 6 महीने तो लगते ही लगते हैं एक वीडियो पोस्ट होने के लिए. तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे से मैं पोस्ट करते रहूँ, बट देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. रही बात आज के व्लॉग की, तो मुझे आप सभी को बताते हुए भी इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम आज जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि, जो कि अयोध्या के नाम से जाना जाता है. वैसे तो हम अयोध्या जा रहे हैं, तो अयोध्या में हम कवर अप करेंगे आज हनुमानगढ़ी, राम जी की पौड़ी, और आज इस ब्लॉग में हम कवर करेंगे ऑल ओवर अयोध्या. लेट्स सी कैसे जाता है. आज हमारे साथ हमारे इस चैनल पे है मेरी बुआ जी, जो कि आज नेपाल से आई है. इनसे मिलते हैं. इनका नाम है रत्ना देवी. ये है मेरी मम्मी, ये मेरे भाई लोग, जो तीनों लोग बैठे हैं पीछे. और आज हमको ड्राइव करके लेके जा रहे हैं अफताब भैया, जिन्होंने आज रेड टी शर्ट पहनी है. देखती हूँ आज कैसा व्लॉग बनता है. कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस और जितने भी इन्फॉर्मेशन है अयोध्या से रिलेटेड, मैं आप सबको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ इस वीडियो के थ्रू. जैसे कि बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं जो अयोध्या बहुत पहली बार जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी रिलेटेड टू होटल्स, रिलेटेड टू कन्वेंस, आपके कितने चार्ज पड़ते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि इन सब चीज़ को एक सम अप इस व्लॉग के थ्रू आप सभी के पास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ. तो चलिए फिर आज का सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है. और स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे बोलो श्या बोले रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, बोलो अयोध्या जी की. चलिए फिर आगे का ब्लॉग देखते हैं. आज इस ब्लॉग के थ्रू हम आपको हमारी बुआ जी के बहुत ही सुंदर भजन सुनाएंगे इस ब्लॉग के थ्रू. तो फिर चलिए आज एक रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं. फैमिली ट्रिप का यही फायदा होता है. लेट्स सी कैसा रहता है. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण. कृष्ण दामोदरम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायण. तो यार जिस एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट की थी, अब मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ. हेलो गाइस, चाय पी लो. तो ये है हमारा फर्स्ट हॉल्ट और ये है NH 28 पे, नेशनल हाईवे 28. तो अभी हमारे साथी भाई लोग थोड़े ब्रेक पे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हो. ये रहे खाते पीते. हाय गाइस, चेस चेस चेस.
चाहिए। फोन के देना बस, ज्यादा नहीं पार्किंग नहीं पड़ेगा कहीं आपका। आप राम मंदिर भी बंद है अभी टाइम में आपका। तो अब हम आ गए हैं अयोध्या, पहुँच चुके हैं। तो हमने सबसे पहले, तो अगर आप अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो प्लीज़ कोई भी पार्किंग लॉट ढूंढिए और वहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर लीजिए, सो दैट कि आपके लिए कन्वीनियंट होगा ट्रैफिक से बचने के लिए। जैसे कि हमने अपने गाड़ी को पार्किंग लॉट में अभी रखा है। अब हम ई रिक्शा से जा रहे हैं क्योंकि कन्वीनियंट तो है इसलिए, क्योंकि सारे ई रिक्शे व्हीकल वालों को पता होता है कि कहाँ पे कौन सा रास्ता है। प्लस हम 5-5 रुपए के ई रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं, तो प्लीज़ 5 से मैक्सिमम 10 रुपए होंगे आपके जितने भी होंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत दीजिएगा। अगर कोई टूर गाइड बोलता है कि मैं आपको घुमाने लेके जा रहा हूँ, हम 400 लेंगे, 500 लेंगे, 300 लेंगे, 200 लेंगे, तो प्लीज़ उसको बिल्कुल प्रेफर मत कीजिएगा। किसी भी जगह पे पार्किंग लॉट पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे ई रिक्शा होते हैं, 10-10, 5-5 रुपए में आपको हर एक जगह घुमा देंगे। तो अभी हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, क्योंकि ये कहा जाता है और माना भी जाता है कि हनुमान जी के परमिशन के बिना राम जी आपके यात्रा को सफल नहीं कर सकते। तो इसी कारण हम आज अभी पहले जा रहे हैं अभी हनुमान जी के दर्शन करने। देखते हैं अभी वो बंद है या खुला है, जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट। ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से आ सकते हो, है ना। और रही बात बैक व्यू का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। खुबो, जय श्री राम। लंबी कतार देख सकते हैं आप लाइन में। थैंक गॉड आज ट्यूसडे नहीं है, वरना तो मुश्किल ही था।
जन्मभूमि है श्री राम जी का, तो ये देखते हैं कि कितने बजे तक बंद रहता है। एंड यार बहुत भीड़ थी तो जितना कवर अप हो सका इस वीडियो के थ्रू मैंने कवर अप ट्राई करने की कोशिश की। अब चलिए फिर चलते हैं श्री राम जन्मभूमि। ये आ रहे हैं छोटे हनुमान जी। कहाँ से आए आप? जय श्री राम। ये हम ले रहे हैं आज नकली। फ्री में 10 रुपए दीजिए मेरे भाई को। वैसे तो अब हम जा रहे हैं दशरथ जी के महल। हमने सोचा था कनक महल भी जाएंगे, लेकिन अभी ऐसे टाइमिंग्स ऐसी हैं कि शायद कनक महल बंद है। तो हम अपने टाइम को कवर अप करने के लिए सबसे पहले जा रहे हैं दशरथ महल हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद, क्योंकि 2 बजे जन्मभूमि खुलेगा। तो वहाँ पे वैसे ही बहुत भीड़ होगी, तो उस भीड़ में जाके अपना टाइम वेस्ट करना तो कोई वो नहीं बनता। तो अभी हम कवर अप करेंगे दशरथ महल, ठीक है। और अगर आपको पहली बार अगर आप आए हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे टूर गाइड, ये बोलते हुए कि मैं आपको 20 रुपये में, 50 रुपये में, 100 रुपये में भी दशरथ महल या यहाँ वहाँ दर्शन कराऊंगा। लेकिन मेरे माने तो ऐसा आप उनके साथ बिल्कुल मत जाइएगा, पैदल पैदल भी जा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मेरे पीछे है दशरथ महल। अब हम जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि। वैसे तो हम अभी पार्किंग में हैं। अगर आप अपने कन्वेंस से आए हैं तो इट वुड बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल फॉर यू कि आप अपने मोबाइल डिवाइसेस और जितने भी, जैसे वॉच हो गया, जितने भी इम्पॉर्टेंट गैजेट्स हैं, आप अपने कार में ही रखें। क्योंकि वैसे वहाँ पे लॉकर्स तो होंगे, बट वी नेवर नो कौन सा सेफ है कौन सा नहीं है। तो अगर आप अपने कन्वेंस में आए हैं तो आप अपने गाड़ी में रखिएगा, जैसे हमने रखा है। लवली यमलाल जी का चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो तो बात ठीक है, लेकिन इन्होंने भी अपना फ़ोन रखा है, तो हमें डाउट है, पता नहीं कैसा लॉकर होगा, क्या होगा, इसलिए हम अपने अपने कन्वेंस में रख रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मोबाइल बहुत महंगे हमारे, ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अभी तक मैंने इस ब्लॉग में कवर करके आपको दिखाया हनुमानगढ़ी, वहाँ के साक्षात दर्शन कराया, जो कि आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। आई डोंट नो व्हाई ये हमेशा इतनी भीड़ रहती है कि आज संडे के दिन में इतनी भीड़। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ट्यूसडेज़ में ज़्यादा भीड़ होते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि संडेज़ में भी इतने भीड़ होते हैं। तो मैंने आपको साक्षात दर्शन कराए इस ब्लॉग के थ्रू हनुमानगढ़ी के। उसके बाद हम गए दशरथ महल, जो कि बस यार अगर आप बाय फुट हो, ऑन फुट हो, तो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगता है। हम वहाँ गए। उसके बाद हम गए श्री राम जन्मभूमि, जहाँ की कैमरास ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो हम वहाँ पे लेके नहीं जा पाए। इसलिए हम अपने कन्वेंस से थे, तो हम अपने ही व्हीकल में अपने जितने भी गैजेट्स थे, स्पेशली अपने वॉच हुए, अपने जितने भी मोबाइल डिवाइसेस थे, सारे हम उसी में छोड़ के गए, जस्ट बिकॉज की फॉर आर सेफ्टी। एज सच अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको लॉकर्स मिलेंगे अगर आप अपने कन्वेंस से नहीं आ रहे हो, बट हमने उसको सेफ नहीं समझा, तो हमने अपने ही कन्वेंस में उसको रखना बेहतर समझा। अब हम जा रहे हैं सरयू नदी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप सरयू नदी में स्नान करते हैं तो आपके जितने भी पाप आपने किए अपने लाइफ में वो धुल जाते हैं। अब देखते हैं, हमें तो ठंडी लग रही है तो हम तो नहाएंगे नहीं, दो दो छींटे और बूंदे मार के चले जाएंगे। आप अगर पहली बार आए हैं तो आप बिल्कुल नहा सकते हैं उसमें। तो आइए फिर आपको सरयू नदी के दर्शन कराते हैं हम। और मैंने ये भी सुना है कि ये मैन मेड सरयू नदी है, तो जो राम पैड़ी है स्पेशली वो मैन मेड बनाई गई है। सो सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि चाहे बच्चा नहा रहा हो या चाहे कोई भी बुजुर्ग नहा रहा हो या कोई भी नॉन स्विमिंग पर्सन नहा रहा हो, इतना फ़ायदा है कि आप डूबने से बच सकते हैं। चाहे कोई बच्चा नहा रहा हो या फिर चाहे कोई बूढ़ा या फिर कोई भी नॉन स्विमिंग पर्सन,
तो अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है तो थम्स अप न्यू राम पैड़ी के लिए, क्योंकि हैंडमेड है एंड मैनमेड है। तो चलिए फिर आपको राम पैड़ी के दर्शन कराते हैं। फिलहाल तो मैं और आफ्ताब भैया बस अभी पार्किंग लॉट में पार्किंग की जगह देख रहे हैं और मैं अपनी व्लॉग बना रही हूँ। अभी मैं और आफ्ताब भैया जाएंगे, क्यों आफ्ताब भैया गाड़ी मोड़ते हुए आफ्ताब भैया को थोड़ा सा फोकस डाल दिया। आपको अगर इनकी गाड़ी बुक करनी है तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप यूपी से हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट हिम, ये बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलती हूँ राम पैड़ी, लेट्स गो। तो अभी हम में इंक्लूड होते हैं मैं और आफ्ताब भैया जो जा रहे हैं अपनी टोली से मिलने, और हमारी टोली कुछ ऐसे बैठी है, देखिए। ओ ये है पुरानी सरयू नदी जहाँ पे शाम को होती है आरती, और अगर आप पहली बार आए हो तो यहाँ पे चेंजिंग जोन भी है स्पेशली फीमेल्स के लिए। अब हम जा रहे हैं सरयू नदी की तरफ और इसका बैक व्यू सच में बहुत प्यारा है, आई विल शो यू, सो वाइब्रेंट। तो अभी हम जा रहे हैं बोट में, चलिए फिर आपको व्यू दिखाती हूँ मैं बैक से। कैसा लग रहा है आपको बुआ जी, पहली बार सरयू नदी पे, सरयू नदी का आनंद उठा रहा। अब हम जा रहे हैं राम पैड़ी की तरफ जो कि हमारे राइट साइड में है। वैसे कहते हैं कि ये मैन मेड है, तो लेट्स सी, हम भी फर्स्ट बार आए हैं तो कैसा लगता है। अगर आप अयोध्या पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे होटल प्राइसेस ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि एक ये टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस पड़ेंगे आपको वो मिनिमम कॉस्ट में पड़ेंगे। इट टोटल डिपेंड्स कि आप किस टाइप का होटल लेते हैं, अगर आप 3-star 5-star टाइप का भी लेते हैं तब भी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। मिनिमम प्राइस रेट की बात करूँ मैं तो होटल की प्राइस रेंज यहाँ पे वेरिएट होते हैं बिटवीन 500 to 1200, सो इट इज़ चीप एंड रीजनेबल टू। टी ब्रेक। आफ्ताब भैया कैसा लग रहा है आपको आज? मस्त।
कमेंट करके बताना आपको कौन सा पोर्शन पसंद आया हो और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टिल द टाइम प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आगे के लिए हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। टिल देन जय श्री राम।